In this video, I'm going to take you to one of the best waterfalls in Chikmagalur. That is Heve Waterfalls. But before then, let me show you the homestay which we had opted for this trip. मतलब yesterday हम लोग पहुँचे थे, पर जो room मिला था, जो single room, actually यहाँ पर 2 BHK type का है, तो वो हमारे जो friends हैं, अविनाश और श्रीतम, वो लोग वो 2 BHK में थे और एक single room हम लोगों को दिया था. वो थोड़ा छोटा था, मतलब इससे काफ़ी छोटा था. ऐसे जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटा बड़ा रूम से, पर हाँ वो थोड़ा कंजेस्टेड है. और ये वाला रूम थोड़ा बड़ा है, आई थिंक बड़ा ग्रुप को वो लोग देते हैं. और ये काफ़ी अच्छा है. और ये जो रूम बता रहा था, जो छोटा वाला रूम है, बस. और ये वॉशरूम तो इतना ही, मतलब छोटा, बहुत ही छोटा है ये. आज हम लोग हेवे फॉल्स जा रहे हैं, तो अभी हम लोग बस 3 जन ही आए हैं, बाकी वो लोग होमस्टे में हैं. वहाँ पर जो ट्रेल है वो ऑफ रोड है और जीप में बच्चों को लेके नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा हिलता है वो गाड़ी. तो इसीलिए हम लोग बस 3 जन डिसाइड किए, हम 3 ही जाएंगे आज. और देखते हैं कि हेवे फॉल्स खुला है नहीं है और कितना चार्ज करते हैं वहाँ पर. मुझे जितना याद था वो 700 सब पर हेड करते हैं, बट अगर और कोई ग्रुप नहीं मिला तो हम 3 को वो लेके जाएंगे नहीं जाएंगे वो पता नहीं, तो वो सब देखना पड़ेगा. बट अभी के लिए जो मौसम हो रखा है ना बाहर, पूरा ऑसम है. दिस इज द फॉरेस्ट चेक पोस्ट फ्रॉम वेयर द जीप जर्नी स्टार्ट्स एंड इट कॉस्टेड अस 500 rupees पर हेड. हेवे फॉल्स हम लोग अभी जीप से आ चुके हैं और यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद और भी 20-25 मिनट्स वॉक है और ट्रेल कुछ ऐसा है. हम लोग हेवे फॉल्स से मस्त एंजॉय करके नहाए और अभी जा रहे हैं अपने जीप के पास. और ये वाटरफॉल मस्त है, ओर्थ है, लेकिन बच्चों को लेके मत आइए, छोटा छोटा बच्चे अगर हैं तो, या एज पर्सन भी आ सकते हैं. अगर देखो ट्रैकिंग का कोई इशू नहीं है, बट गाड़ी में बैठ के आने में वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर पीछे बैठा देंगे तो एजड पर्सन को तो फिर प्रॉब्लम है. जो चार्जेस है पर हेड 500 rupees, वो वेट करेंगे पूरा ग्रुप 12 पीपल होने के बाद, फिर वो जीप लेके आते हैं. मैंने पूछा नहीं है कि अगर मैं
अपना पर्सनल ऐसे आए हैं, चार पांच जन मिलके एक ही व्हीकल में, वैसे आते हैं या नहीं, आना तो चाहिए, और हाँ फुल पेमेंट करना पड़ेगा 12 जन का, इसका मतलब शायद 5000 या 6000 ऐसा लेंगे। और जो जीप पॉइंट है स्टार्ट से इधर पहुंचने के लिए 40 मिनट ऐसा लगता है, फिर इधर वाटरफॉल में एक घंटा रुकने के लिए देते हैं, फिर वापस रिटर्न। अभी हम लोग आ गए हैं हेवी फॉल से घूम के, जीप का थोड़ा स्ट्रगल है, तब मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने ग्रुप में आओ 7-8 बंदे और पूरा जीप खुद के लिए बुक कर लो तो इजी रहेगा, नहीं तो वो 12 बोल के 14-15 घुसा रहे हैं। पीछे सीट में 2 जन मैक्सिमम 3 जन बैठ सकते हैं आराम से, वहाँ पर 5 जन बैठने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत है बहुत। मेरा सजेशन यही है कि आप लोग अपने ग्रुप में आओ और पूरा ग्रुप के लिए एक गाड़ी अपना बुक कर लो तो कम्फर्टेबली जाके आ सकते हैं। भाई वाटरफॉल और अच्छे लगने को तो वाटरफॉल में तो बहुत मज़ा आया, पर थोड़ा मतलब ऐसा है कि आप जाओगे फिर 20 मिनट्स एक घंटा, हाँ 20 मिनट्स रिटर्न, हाँ अनदर 20 मिनट्स एंड वाटरफॉल। तो ऐसा मतलब वो बोलते हैं कि एक घंटा रुक के आओ, बट वो एक घंटा ऐसे ही जाके पहुँचने के मतलब ऐसा 8-10 पिक्चर क्लिक किए होंगे और हो जाएगा एक घंटा, क्योंकि 20 मिनट तो वॉकिंग में, जैसे बोला कि 20 मिनट वॉकिंग में ही चला जाएगा, जाने आने में 40 मिनट वहीं पर हो गया और 20 मिनट बस वाटरफॉल में टाइम मिलेगा। अगर आप पर्सनल जीप लेके आते हो उसको ड्राइवर का अगर एक्स्ट्रा पे करते हो तो मैं भी, वाटरफॉल में वाटर है पता नहीं, हाँ वाटरफॉल में वाटर ही है वो, हम लोग कुछ नहीं पता नहीं था हम लोग। Then in the afternoon we headed towards Ayankare Lake.